रोज़े की हालत में नेबुलाइज़र लेना लगाना या ऑक्सीजन लेना ये कैसा है? नेबुलाइज़र या ऑक्सीजन वगैरह का देखा जाएगा कि इसका ताल्लुक क्या मैदे के साथ है या फेफड़ों के साथ है। अब मेडिकल तौर पर बल्कि सभी लोग जानते हैं कि इन चीज़ों का ताल्लुक फेफड़ों से है। ये हवा की नालियों में दाखिल होकर फेफड़ों तक पहुँचते हैं और इनका ताल्लुक मैदे के साथ नहीं है। तो इस लिहाज से अगर मैदे के साथ इनका ताल्लुक नहीं है तो नेबुलाइज़र वगैरह और ऑक्सीजन वगैरह लोग रोज़े की हालत में ली जा सकती है, इनहेलर इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ा की हालत में, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। उसमें अगरचे कोई चीज़ मैदा में चली भी जाए तो वो मकसूद नहीं, मकसूद जो है वो आपका सांस की नालियाँ हैं। तो अला कुल हाल रोज़े की हालत में नेबुलाइज़र, इनहेलर, ऑक्सीजन वगैरह इस तरह की चीज़ें ली जा सकती हैं।